This is a video series of entrepreneurial scientists who are serving science and society. This video is based on research work and book developed by Mr. Rahmatullah and Dr. Rashida Zohra. We present you academic researchers who contribute in the society through applied development work. और हम तकरीबन 200 इस तरह के साइंसदानों के काम को, हुनरमंदों के काम को और एंटरप्रेन्योर्स के काम को आप तक पहुंचाएंगे. SATHA presents you Professor Dr. Zafar Iqbal as entrepreneurial scientist from the Pharmacy Department, University of Peshawar. Dr. Zafar combines a unique character of serving academia, industry, and government successfully. We can call him a triple helix professor. While he was a lecturer, Professor Dr. Zafar Iqbal got consultancy to set up a complete pharmaceutical unit named Delta Pharma. He ensured a smooth development from idea to product selection, plant design, factory layout, and production. A university professor was setting up high-tech industry, Delta Pharma. उस लड़के ने मेरे साथ ऐसा काम किया, न उसने दिन देखा न रात देखी. हम रात 2:30 बजे तक भी काम करते रहे, हम रात 3 बजे तक भी काम करते रहे. और उसने मुझे ये नहीं कहा कि मैं इतने पैसे लूंगा आपसे, उसने मुझे ये नहीं कहा कि मेरा क्या बनसी. इस हद तक कि उसने बाकायदा मुझे यूनिवर्सिटी से लेटर भी नहीं दे दिया कि वो ऑफिशियली मेरे इदारे के साथ आप काम कर सकते हैं. ये मैंने कुछ नहीं, ठीक है, मैं साथ दिया, लेकिन उसने कहा कि हाँ मैं कर सकता, मैं तो कोई नहीं कर, कोई इदारे नहीं की उसने. और वो बेचारा ऐसे था कि वो अब देखे ना पीजी का मालिक उस दवाने का 18 गेट मिलता था, तो बेचारे को 17 गेट मिला. कमरा भी दोस्त था जहाँ वो बैठ कर कोई हमसे बात कर सकते, वो भी दोस्त. हम तो कहते हैं ये फला चीज नहीं है, फला चीज नहीं है, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका ईमान था, अपने काम की कंडीशन कि ये मेरे काम कर रहे हैं. आया मेरे साथ, हमने मिल के पूरा पाकिस्तान घूमे, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में कोई अपनी फैक्ट्री ऐसी नहीं थी जिसको हम मॉडल बना सकते. मल्टीनेशनल हमें वो सिर से छोड़ दे दिए, उन्होंने तो ड्रामा बनाया हुआ था. लिहाजा उसके सिलसिले में गवर्नमेंट ने मेरे साथ खड़ी हुई, उस वक्त की गवर्नमेंट थी, उसने कहा बिल हम आपके साथ हैं, जहाँ आप जाओगे आपके साथ एक सेक्टरी जाएगा, अपना जाएगा, अपना जाएगा. कट इट शॉर्ट, हमने एक बड़ा अच्छा सा डिजाइन बनाकर, अपना डिजाइन, मैं कहता हूँ हमारा अपनी इनोवेशन थी, कमरे कैसे बनने चाहिए, हाइट कितनी चेंज चाहती है उसमें, हर यानी इस किसी हर चीज़ें हमने उसमें जो होनी चाहिए थी वो हमने की. और हमने ये कंसिडर किया कि हमारा लेबर एंजाइम का लैग एंजाइम बहुत परस्त सुस्त काहे, वो कोई काम नहीं करेगा, वाटर पर हमारे लिए ब्राउन फील्ड करेगा लिहाजा. और ये लाइफ सेविंग चीज़ है, निज़ाम ही ऐसा बनाना चाहिए कि वो अगर ख़राब भी करना चाहे तो वो लग सके. तो हमने पहले लोग हैं ये बटनिशन के एस एस ओ पीज भी बनाई थी, हमने बाकायदा एस ओ पीज बनाए, एस ओ पीज बना कर हमने बाकायदा अपनी दवाई करना शुरू की. और पहला जो हमने बनाया उस वक्त वो फ्लैक्सिन एक मैंने खोजा था हमारी टू, और वो उस जमाने में टॉप का था, यानी बड़ा एक्सपेंसिव बड़ा टॉप का. और उसने उसकी फॉर्मुलेशन मेरे साथ बैठ के उन्होंने की, और उसने मुझे कहा कि हमारा ये फॉर्मूला कामयाब हो गया. मैंने कहा कैसे कामयाब हो गया? उसने मुझे कहा कि मैंने उसकी वालदा को वो बीमारी हुई थी, तो कहता है मैंने उसको दी तो वो ठीक हो गई. और मैं कहा डॉक्टर खुदा को मान तू वहाँ पर जो तकबीर कर दी है. तो उसने कहा कि अशफाक ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो मैं अपनी माँ पर अगर मैं भरोसा नहीं कर सकता तो मैं किसी को क्यों दूँ. और मुझे उसकी बात बड़ी पसंद आई, मेरे को 10 बार इसलिए ये कहता है अगर मैं खुद नहीं खाते चीज तो मैं किसी को क्यों दूँ. Let us learn about industrial services of Professor Dr. Zafar Iqbal. He is a professor but highly respected in the industry circle today. और डेल्टा फार्मा के अलावा मैंने लेगेसी फार्मा है कि उसको मैंने काम किया काफ़ी, उनमें प्रोडक्ट डिजाइनिंग करके दिए, स्टेबलाइज करके दिए प्रोडक्ट उनको. इसके अलावा एक दो इंडस्ट्रीज हतार में हैं, सारी गदून में हैं, उनको मैंने काम करके दिया है, उनके प्रोडक्ट भी मैंने ठीक करके दिए हैं और उनको मैंने स्टेबलाइज भी किया है. कि हम इंडस्ट्री को कुछ कर के दिखाएं कि ये मैंने काम किया है, ये मेरे पास डाटा है और ये आपके सामने मैं करता हूँ, ये मैं लैब स्केल पर डाटा है
तो इंडस्ट्रियल खुद आएगा कि इसमें उसको मैं समझाऊँ कि इसके लिए उसका फ़ायदा क्या है, उसमें कमर्शियल क्या फ़ायदा है, कौम को क्या फ़ायदा है और मुल्क को क्या फ़ायदा है। जितना केपी का इंडस्ट्री को मेरा उनके साथ रिलेशन रहता है, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम जफर इकबाल के पास गए और हमारे प्रॉब्लम का उनके पास सलूशन नहीं था। डॉक्टर्स भी यहाँ पर आते हैं सर के साथ, कोई इशू है इस तरह, कोई प्रैक्टिकल रिसर्च है तो सर के साथ डिस्कस करते हैं कि हमें इस एरिया में जो है कि रिसर्च चाहिए, आपके अगर स्टूडेंट काम करना चाहते हैं तो फिर सर गाइड करके भिजवाते हैं उसी तरफ। Professor Dr. Zafar Iqbal as entrepreneurial scientist has a great reputation in academic circles and known as a successful professor, HOD supervisor and the best teacher. He is a meritorious professor and won Tamgha Imtiaz. I am 9-year chairman of pharmacy department. In different committees, in SRB, in Peshawar University, in SRB, KMU, in SRB, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट एक्सपर्ट डिफरेंट पाकिस्तान सर तो हर टाइम हमें अवेलेबल है, इवन घर पे फ़ोन करते तो बिल्कुल अवेलेबल है, ईमेल कर लेते तो विद इन मिनट्स हमें जवाब आता है। इस पीजी मेरे प्रोड्यूस हो चुके हैं, तकरीबन 8 बच्चे पीजी कर रहे हैं, 12 एम फिल प्रोड्यूस हो चुके हैं, इसके अलावा सर हमारे 2 पेटेंट पाकिस्तान में हो गए हैं, 4 एप्लीकेशन पड़ी है पेटेंट की, तो इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग टू कमर्शलाइज दिस फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। तब पब्लिकेशन नॉर्मल 140 हैं और कॉन्फ्रेंस पेपर भी 30-40 कह सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। इसके अलावा अक्सर जाते रहते हैं कॉन्फ्रेंस में, इसके अलावा इनवाइटेड लेक्चर देता हूँ जाके मुख्तलिफ जगहों पर और इसी प्रैक्टिकल फील्ड में देता हूँ। इस तरह एक बुक पब्लिश हुई है अमेरिका से, स्प्रिंगर ने की है, उसमें 2 चैप्टर हैं मेरे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई गॉट तमगा इम्तियाज एज वेल। वो हमेशा मैंने उनके एक हम्बल काइंड डाउन टू अर्थ पर्सन देखा, हमेशा वो रेडी रहते हैं आपके कोई स्टूडेंट चला जाए या कोई साइंटिस्ट चला जाए या किसी भी कोई किसी लेवल का बंदा उनके पास जाए, मैंने कभी नहीं देखा उनके कभी उन्होंने इनकार किया हो या उन्होंने उनका काम ना किया हो। नाउ लेट अस सी हाउ प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल सर्वड पब्लिक सेक्टर फॉर हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल रिलेटेड पॉलिसीज। The entrepreneurial scientist from Peshawar University is highly consulted by the government. मैं सेंट्रल ड्रग लाइसेंसिंग बोर्ड पाकिस्तान का मेंबर रहा, सेंट्रल ड्रग रजिस्ट्रेशन बोर्ड का मेंबर रहा और इसके बाद ड्रग पॉलिसी ड्रेप की पॉलिसी बोर्ड का मेंबर हूँ और इन सब जगह पर सर हम ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंसिंग का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ, पॉलिसी में आजकल इन्वॉल्व हूँ सर। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में रहा हूँ और इस तरह मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ कमेटीज़ में काम कर रहा हूँ। बड़े टॉप के स्टूडेंट सर के ग्रुप में आ जाते हैं। प्रोफेसर इकबाल अप्रिशिएट्स द रोल ऑफ स्टूडेंट्स टू कंडक्ट अप्लाइड रिसर्च। वही हमारे ग्रुप का है भी कि मैक्सिमम जो है कि इंडस्ट्री को कोई ज़रूरत है तो सर को भी प्रोजेक्ट मिलता है, उसी प्रोजेक्ट के बेस पे फिर जो कि यहाँ पर स्टूडेंट पीएचडी भी कर लेता है और उनकी ज़रूरत को भी सॉल्व कर लेता है। क्योंकि सर रिसर्च वो होगी जैसे कौम को फ़ायदा हो, इन्वेस्टमेंट हो, तो सर रिसर्च स्टूडेंट जो हैं हमें वो प्रॉब्लम जो इंडस्ट्री को पेश आ रहे हैं, जैसे स्टेबिलिटी इशू आ रहा है फ़र्ज करो, बायोबिलिटी इशू आ रहा है ड्रग का, तो हम उसको उनको सॉल्व करके दें। तो उस सॉल्व कैसे करेंगे, हम स्टूडेंट्स को असाइन करें, क्योंकि एक सुपरवाइजर के पास एक टीचर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो 4-5 प्रॉब्लम इकट्ठे सॉल्व करें बैठ के, वो स्टूडेंट्स को आइडिया देते जाएगा, स्टूडेंट उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, डाटा एनालिसिस करेगा सुपरवाइजर बैठ स्टूडेंट मिलकर दोनों, इससे स्टूडेंट की ट्रेनिंग भी होगी, साथ स्टूडेंट की कमर्शियल ट्रेनिंग भी हो जाएगी कि वो कल प्रैक्टिकल फील्ड में क्या करेगा। इस तरह सुपरवाइज़र जो है वो भी अपना रोल प्ले करेगा, किस तरह मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करूं इंडस्ट्री के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से। तो सर स्टूडेंट इज़ द की पर्सन रिसर्च, और रिसोर्स चूंकि यहाँ पे इतने नहीं है तो अवेलेबल रिसोर्स में जो भी काम हो सकता है वो सोसाइटी की नीड्स के सामने रखते वो कोई चूज कर ले अपना टॉपिक तो वो सबसे अच्छा होगा। He shares the role of institutions and chambers in promotion of industry-academia linkages and problem-based research. इंस्टीट्यूशन को भी चाहिए वो फैसिलिटेट भी करें और प्रमोशन के पॉइंट्स भी रखें और साथ इंडस्ट्री को बुलाए, अपना बिठाए, क्योंकि हमारे पास ये एक्सपर्ट लोग हैं, वी कैन डू दिस,
जिस तरह सर मैंने आपसे जिक्र किया था कि इंडस्ट्री एकेडमी लेजान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हमारा ताल्लुक होना चाहिए, फ्रीक्वेंटली मीटिंग होनी चाहिए और ओपन डिस्कशन होनी चाहिए। सर दूसरा मैं कहूँगी कि हमारी जो एडवांस स्टडीज रिसर्च बोर्ड्स हैं जहाँ फिल्ड पी जी के स्कॉलर के शराब से प्रूव होते हैं, उनमें इंडस्ट्रीज को इन्वाइट करें, उनके एक बंदा बनाएं, उनमें मेंबर बनाएं, उनको वो बैठे, उसको पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है, वो अपना इनपुट दे। जितनी भी वो है हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल के जितनी भी केसेस थे मेरे, तो सर की वजह से जो है कि वो लिंकेजेस की वजह से हमने किए हैं, डॉक्टर्स के साथ कोलेबरेशन किया है, LRH के साथ, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल के साथ। Professor Iqbal advises how faculty members can become entrepreneurial scientists and serve science and society. जो बेसिक चीज़ है, how much you are determined. सर मैं सुबह 7 बजे डिपार्टमेंट आता हूँ, जो काम मेरे रिसर्च काम है अपना वो मैं पब्लिश कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो उसका इंडस्ट्री से रिलेशन नहीं है। हाँ जो काम मैं कमर्शियल बेस पे करूँगा इंडस्ट्री के लिए करूँगा, फर्स्ट के मैंने कोई बाइक वनेस काम किया है या इंडस्ट्री की फॉर्मेशन डिज़ाइन किए डेवलप किए, तो आई कॉन्ट पब्लिश दैट, एथिकली आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट। ज़ाहिर बैलेंस रखना पड़ता है दोनों चीज़ों में, कि आप एकेडमिक भी करें और कमर्शियल भी करें। अब सर एकेडमिक भी होता है कि जो नई थ्योरीज आ रही हैं, जो नई सोच आ रही है, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो हम एकेडमिक में पढ़ते हैं। अगर इफ़ आई कैन अप्लाई दीज न्यू थिंग टू माई इंडस्ट्री, सो दैट इज आई थिंक वन ऑफ द गुड थिंग। इन अच्छी रिसर्च में वो समझता हूँ जो ह्यूमन ह्यूमंस बीइंग्स के लिए उनके मुस्तकबिल में कोई काम आए। Sartha requests you to share such video documentaries with your fellows and young kids to inspire them for great role in life. Please do share with such potential unsung heroes to be included in research projects and video documentaries. You can email us at sartha@irp.edu.pk or see us on www.sartha.org.